अजमेर शहर की ऐतिहासिक आना सागर झील में 2000 के नोटों की गड्डियां तैरती पाई जाने से सनसनी फैल गई। स्थानीय लोगों ने इसकी सूचना पुलिस को दी, जिसके बाद गोताखोरों की मदद से झील से नोटों की गड्डियां बाहर निकाली गई। सभी नोटों पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया लिखा था, जो हूबहू 2000 के असली नोट की तरह नजर आ रहे थे। सभी नोटों की गड्डियां प्लास्टिक की थैलियों में मिली है। समय करीब 1 बजे सूचना मिली कि आना सागर चौपाटी सेंचुरी स्कूल के पास के अंदर आना सागर के अंदर नकली नोट 2000 रुपए के गिरे हुए हैं। आधी सूचना पे मौके पे पहुंचे, मौके से नोटों को आना सागर में पानी में से निकाल के देखा तो भारतीय रिजर्व बैंक लिखा हुआ है और जिसके संबंध में नियमानुसार कानूनी कार्रवाई की जाएगी और इनको बैंक से या रिजर्व बैंक के नियमानुसार बुला के और उनके हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। कितने के नोट हैं? यह 2000 के नोट है, करीब 20-30 गड्डियाँ हैं जिसके संबंध में थैली हैं, प्लास्टिक की थैली में डाले हुए थे जो पानी में बिल्कुल लुगदी टाइप हो गई हैं, बिल्कुल पूर्णतया गल चुके हैं, जिसके संबंध में थाने पे ले जाके और संबंधित बैंक को बुला के मार्गदर्शन लेके नियमानुसार करना। कैसे आए होंगे? कोई ये किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा या कोई शरारती तत्व द्वारा फेंक किए हैं, जिसके संबंध में भी जानकारी प्राप्त की जाएगी और नियमानुसार जो भी उसके विरुद्ध कार्रवाई होगी वो की जाएगी। पुलिस के अनुसार इस संबंध में भारतीय रिजर्व बैंक व अन्य बैंकों से इसकी जानकारी लेने के बाद इस मामले में जांच की जाएगी। इसके साथ ही इन नोटों को आना सागर झील में किसने फेंका है इसे लेकर भी पुलिस जानकारी जुटा रही है, जिससे कि स्थिति स्पष्ट हो सके कि ये नोट आना सागर में कहां से आए। फिलहाल पुलिस ने नोटों को जब्त कर जाँच शुरू कर दी है। पंजाब के सी टीवी के लिए हरी नाम सिंह की रिपोर्ट।